जलाव्यया ग्रहण करते थे।
ज्ञान चोदनम
सुजात चरणा गुरुहंसपनेषु भीताशनये प्रियदधि महि कर्कशे तेनाटवी मटसिताद्यतते न किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषा इति गोप्या प्रगायमूत्य प्रलपन्त्याश्च चित्रधा रुरुदोः सुस्वरं व्राज कृष्णदर्शनलालसा ताशामाविर्भोज्य स्मयमानमुखाम्बुजा पीताम्बरधरा प्रगवी साक्षान्मल्मथ मन्वत श्याम सुंदर, आपके चरण कमल का स्पर्श पाकर ब्रज वसुंधरा धन्य धन्य हो गई, पुण्यवती हो गई। इसकी महिमा तो वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। हे प्राण प्यारे, यदि अपने नेत्रों से ओझल करना था तो मुझे इतना प्यार क्यों दिया? मुझे मर जाने देते राक्षसों के हाथों, आप मुझे बचाए क्यों? यदि मेरे प्रारब्ध में प्रेम नहीं था तो आपने ये प्रेम का अंकुर दिखाया क्यों? हे प्राण प्यारे, मुझे पता है आप नंद नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो, अखिल देही नाम अंतरात्मदृक, आप तो चराचर जीव की आत्मा हो।
हे केशव, हे प्राण प्यारे, आपका दासत्व पाने के लिए पति कुटुंब परिवार सबका त्याग कर दी, समस्त धर्मों का त्याग कर हम आपके शरण में आए हैं। इस संसार में सबसे बड़े दानी वो है जो आपके कथामृत का दान करते हैं। आपको पता नहीं प्राण प्यारे, एक एक पल आपके वियोग में एक एक कल्प के समान बीतता है, जिसमें आपके गोचारण का समय होता था हम सब हर कार्य छोड़कर द्वार पर खड़ी टकटकी लगा के आपको देखते थे। एक पलक का व्यवधान हो तो ब्रह्मा को मूर्ख कहती थी, इस मूर्ख ब्रह्मा को किसी ने बुद्धि नहीं दी, जड़ो दीक्षताम पक्ष मुख दृष्टाम, ये पलक न बनाया होता तो अनवरत प्राण प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन। हे केशव, आपके इतने सुकोमल चरण जिनको हृदय में धारण करने पर पीड़ा होती है, आज इस कंटक वन में कहां विचरण कर रहे हो, कहां भटक रहे हो। हे नाथ, हम तो आपकी अनमोल दासी हैं। गोपियां प्रार्थना करते करते भावुक हो गई, उनके प्राण कंठगत हो गए, उच्च स्वर में रुदन किए हैं, रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के लिए रोना भी सुस्वर है। ध्यान रखना, कृष्ण के लिए रोना भी सुस्वर है, कृष्ण के नाम का गीत गाना भी सुस्वर है, अपनी राधे के लिए रोना भी सुस्वर है और अपनी राधे के नाम का गीत गाना भी सुस्वर है। गोपांगना के भाव को देखकर, उनके दर्द को देखकर कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। गोपांगनाओं के मध्य में बांसुरी बजाते भगवान प्रकट हो गए, बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान को पाकर के गोपियां सबके सब भावुक हो गए, उनका दुख दूर हुआ, अपने अपने चुनरी बिछा दी। हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे पास सामने है। प्रेम भरी बातें हुई हैं। इसके बाद भगवान के महाराज का वर्णन है, आइए गोपी गीत में लगता है कुछ ज्यादा भावुकता हो गई। इस रस से आप लोगों को अलग करें। वियोग की मस्ती, वियोग रस तो पागलों के लिए होता है, उनकी जिंदगी में यही लिखा होता है रोना। वो प्रियतम की याद करके रोते रहते, इसी आस पर वो जीवित रहते हैं कि मेरा प्रियतम मिलेगा, मेरा प्रियतम आएगा। देवियों सज्जनों, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे की ओर आ जाना, जगह हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा इसे जोर लगा लेना। वैसे भी कहीं जाते हो आप तो सोचते हो थोड़ा हम आगे रहें, भगवान के दर्शन में जितना समीप आ जाए उतना अच्छा लगता है। तो ये भी भगवान की कथा है, भगवान का दर्शन है, जितने आगे बढ़ते जाओगे उतना लाभ मिलता जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं।
भगवान कृष्ण गोपांगनाओं के साथ फिर महाराष्ट्र किए। उस महाराष्ट्र का रसपान करने के लिए भगवान शंकर आए गोपी बनकर। यह भजन तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि नहीं? नहीं सुने? भगवान शंकर पार्वती से कहते, देवी कहां जा रही है? आज ब्रज में महाराज का आयोजन है, मुझे भी ले चलो। हे नाथ, वहां किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं, तो मुझे गोपी बना लो। आप क्या कह रहे हो महाराज? गोपी बनने में आपको शर्म नहीं आएगी? भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने कहा यदि उनको मोहिनी बनने में शर्म नहीं आई तो मुझे गोपी बनने में काहे की शर्म। महाराज जड़ा जूट क्या करें? जूड़ा बना दो। अब बाबा जी का श्रृंगार हो रहा भाई की तरह, एक किसी पुरुष को साड़ी पहना दो, अच्छा लगेगा कि नहीं? और साड़ी पहना के उसको चलाओ थोड़ा सा, क्या गति होगी बेचारे। अच्छा, कभी अनुभव किए हो क्या आप लोग? भजन सुन के हो सकता घर में प्रैक्टिकल किए हो दिल्ली वाले हमारे। अब देवियां जाने, देवता जाने, हमें जानेंगे क्या है क्या है? भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, महाराज जब वो पूछेंगी कि ये कौन है तो मैं क्या कहूंगी? कह देना मेरी सहेली है। कहां से आई है? कह देना काशी से। नाम पूछे कह देना त्रिलोचना। तो आइए, आप लोगों की इच्छा है तो चलते हैं उस मस्ती में, लगाते हैं जोर। अभी तो कन्हैया राधे इतना शरीर शिथिल कर दी है कि अब बताओ आप लोग अन्यथा न लेना, ये बात ऐसी नहीं है। आना कुछ अभी ऐसा है लेकिन ये संसार का क्रम है, आना और जाना। अपना बस एक ही सिर भाव है कि जब तक रखना है संसार में रख, तेरी मर्जी है। जब तक रखना है रख, हमें कोई जल्दी नहीं है। जब तक सेवा करवाना है बस इससे दो प्रार्थना है, दो कार्य मुझसे मत छोड़ना, नहीं तो छोड़ेगा तो फिर क्या परिणाम होगा? कृष्ण तू जाने, तेरा काम जाने। पहला भागवत जी की सेवा, बांके बिहारी की सेवा, और जो मेरी राधे का स्नेह मेरे ऊपर बरस रहा है, जिसके शक्ति के सारे आज हम आनंद ले रहे हैं, यही दो जब तक ही हमको देता रहेगा हम आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा शरीर छोड़ने वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रार्थना जरूर हमारी है व्यासपीठ से, मुझे दो ही चाहिए। और जितनी सेवा करवाए हमें कोई दिक्कत, बस दो चाहिए मुझे। ये मिल गया तो मेरे लिए सब मिल गया है। बाकी बिहारी की कृपा ना होती, मेरे राधे कृष्ण की शक्ति ना होती, कार्य करने की शक्ति ना होती, तो आज आप लोगों के सामने यह शरीर ना होता। यहां बैठाने वाला कोई है तो मेरा बांके बिहारी है और मेरी राधे है। जब तक यह शक्ति है आप लोगों की सेवा होती है। तो आइए प्रार्थना करते, थोड़ा सा स्फूर्ति दे शरीर में, निचोड़ दी है काफी। नारायण ब्रज भूमि को
सुरमुनि नावे माथ, यहाँ आय गोपी बने ये बाबा भोला नाथ, यहाँ आय गोपी बने ये बाबा भोला नाथ। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी राश आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी राश में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी राश आ गए हैं, वृंदावन आ गए। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी राश में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाय माने त्रिपुरा आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, नाम माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में उस रास में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में उस राश में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। आज बिरज मेरा सहभारी, आज बिरज मेरा सहभारी, हम दिखावो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, प्यास में आ गए। आज बिरज मेरा सहभारी, हम दिखावो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, प्यास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी दास आ गए हैं, वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी दास आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। Thank you.
जाऊं तुम्हें साथ में उस रात में। तो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में उस रात में। मोहन के सिवा दूजा, मोहन के सिवा दूजा पुरुष न होगा उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा दूजा पुरुष न होगा उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ये ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ये ब्रज की नारी, मान बात हमारी बना आ गए रास में आ गए। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, साई माने त्रिपुरारी आ गए हैं वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना बिहारी मैं माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी कितना बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी कितना बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत भारी आ गए रास में आ गए। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत भारी वृंदावन आ गए हैं रास में आ गए। नवो भोले भंडारी पंच ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं वृंदावन आ गए। दिन वो भोले भंडारी पंच ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं वृंदावन आ गए। के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में,
में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिन रूप बनायो मुरारी, मोहिन रूप बनायो मुरारी, बात तुम्हारी बारी जन मोहित रूप बनाया मुरारी, आ तुम्हारे बार वृंदावन आ गए हैं, काश में आ गए हैं। नवो भोले भंडारी मन को मन की नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। नवो भोले भंडारी ब्रज की नारी रास आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने तब समझ गए ने सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी आ गए वृंदावन आ गए। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी राश में आ गए वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के आई, पार्वती जी मना के आई, हर मन एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास वो भोले भंडारी बन कर ब्रज के नारी रास आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
भगवान शंकर जैसी गोपी बन करके पहुंचे। हमारे गोविंद तो समझ गए। अब पार्वती जी ने कहा था महाराज एक हाथ से घूंघट पकड़ के रखना, घूंघट खुलेगा तो भेद खुल जाएगा। भगवान शंकर घूंघट पकड़ के चल रहे थे, प्रभु देखे भगवान शंकर आ गए। पार्वती से पूछते हैं क्यों, ये कौन है? पार्वती से पूछते कि ये कौन है? पार्वती ने कहा महाराज मेरी सहेली है। अच्छा आपकी सहेली है, तो यहां तो सबके घूंघट खुले हैं, ये घूंघट तान के आई है? बोले महाराज पहली बार आई बिचारी, इसलिए संकोच कर रही। अच्छा तो ये आपकी सहेली जी कहां से आई है? काशी से। क्या नाम है? त्रिलोचना। कन्हैया ने कहा बताता हूं कि सहेली है कि है क्या। अरे वाह अच्छा नाम बोल चुने आप लोग तो। कन्हैया ने कहा भी बताता हूं, वही कृष्ण बांसुरी की तान छेड़ दिए। जैसे बांसुरी के तान छड़े भगवान शंकर का घूंघट हटा। कन्हैया मुस्कुराए, क्यों पार्वती यही सहेली है? पार्वती ने कहा महाराज पहले मना किया था ना। भगवान शंकर ने कहा केशव आपका स्पर्श पाने के लिए गोपी बनना पड़े तब भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद भगवान शिव की स्थापना गोपेश्वर महादेव के रूप भगवान महाराष्ट्र की। उस महाराष्ट्र में परीक्षित जी एक जिज्ञासा व्यक्त कर दिए। परीक्षित जी क्या कहते हैं? गुरुदेव संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान हंसेन जगदीश्वरा। हे प्रभु हमारे गोविंद तो आए धर्म की स्थापना के लिए। कैसा धर्म है? दूसरे के नारी के साथ नृत्य करना क्या धर्म है? भगवान सुखदेव उत्तर देते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयशां न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा गोपीनां तत्पतीनां च गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरतिशोध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्। परीक्षित पहली बात, तो जो सामर्थ्यवान होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। गंगा में पापी भी स्नान करते हैं, पुण्यात्मा भी स्नान करते हैं, लेकिन गंगा जल में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया। सूर्य की किरणें सबका स्पर्श करती हैं, पवन सबका स्पर्श करते हैं, इनमें विकार नहीं आया। इनको बनाने वाले परमात्मा में विकार कैसे? और फिर एक बात ध्यान रखना,
भगवान जिन गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये सांसारिक नहीं है, ये माया की वृत्ति से परे हैं। माया की वृत्ति में कौन है? जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में उलझा है वही माया की वृत्ति में उलझा है। जो अपने अवस्था में स्थित हो गया है, जिसको अपनी अवस्था अपनी मस्ती का बोध हो गया है, उसको न पाप से मतलब है ना पुण्य से मतलब है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक आपके जीवन की क्रिया में यह वृत्ति है कि यह क्रिया से पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, आप भगवान के मार्ग में नहीं आओगे। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है, समझो इस सूत्र को, न दुखम न सुखम न पुण्यम न पापम। इस अवस्था में जब आओगे तो न सुख है न दुख है न पुण्य है ना पाप है। और जब तक आपके मानसिकता में पुण्य का सिद्धांत बैठा है तो पाप तो अपने आप आता है, पाप को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्रिया का उद्देश्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी तो पुण्य तो बाद में दिखाई पड़ेगा, पाप पहले आएगा। जैसे आपको चावल खाना है, चावल की जब खेती करते हैं, जीरी क्या बोलते हैं उसको, जीरी बोलते हैं ना। अब खाना चावल है लेकिन जब आप जीरी बोते हैं चावल के लिए, तो पहले चावल होता है कि छिलका होता है? क्या होता है? छिलका ही तो होता है ना। आपकी इच्छा थी चावल खाने की लेकिन पहले क्या दिखाई पड़ा? छिलका। बीज भंडार वालों को ज्यादा पता होगा इसके बारे में, नहीं पता? अच्छा जी, तो फिर खुजलाना पड़ेगा हमको भी लगता है। तो ध्यान रखना, जिस क्रिया का उद्देश्य पुण्य वह पाप अपने आप आता है, और जिस क्रिया का उद्देश्य न पुण्य न पाप है, भगवत प्रीत्यर्थ है, वहां पुण्य और पाप के लिए कोई स्थान है ही नहीं। थोड़ा सा ऊपर उठो। बोले महाराज, एक बालक का मुझे बड़ा अच्छा प्रसंग लगा। किसी ने कहा कि आप तीर्थ में कमरा बनवा दोगे, तीर्थ में 100 गज भूमि का दान कर दोगे तो बैकुंठ में तुमको बना बनाया कमरा मिलेगा। अरे बाबा, बैकुंठ की छोड़, मरने के बाद हम वृंदावन में एक कमरा बनवा देंगे, लेकिन पुण्य का फल तो यह कि जहां हम बैठे हैं वहां 10 कमरा तू बनवा। इस बात को समझना, मैं अलग विषय को बोल रहा हूं। जो ये कहता है अरे मरने के बाद 100 कमरा मिलेगी, किसके पास गारंटी बताओ? आप हमको वो सूत्र दो, वो सिद्धांत दो जहां पाप और पुण्य का कोई मार्ग ही ना हो। यह आदि शंकराचार्य ने कहा है, हमारा सूत्र नहीं है। अब आपका समय आ गया है तो मुझे भी आगे चलना है। कभी शंकराचार्य के सिद्धांत पर उन्होंने लिखा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मत। क्या गजब का वेदांत दिया सिद्धांत। हम इसी के लिए परेशान हैं, एक कमरा बनवाएंगे तो क्या होगा, मरेंगे तो कमरे मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर कहा के दान किए? और एक कमरा बनवाने से भगवान मिलता है तो मैं 100 बनवाने को तैयार हूं, मुझे कन्हैया देख से मिला दो, बस 100 बनवा दूंगा बाबा, मुझे कृष्ण से मिला। धर्म और अधर्म, धर्म के 2 सूत्र ध्यान रखना, धर्माभास और धर्मसार। धर्माभास के मार्ग में पाप है, पुण्य है, सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है, हानि है, लाभ है, जन्म है, मृत्यु है, यश है, अपयश है। और जिस दिन गुरु कृपा पर हो जाएगी, धर्मसार के मार्ग में प्रवेश कर जाओगे तो वहां न सुख है, न दुख है, न पाप है, न पुण्य है, वहां केवल कृष्ण है और कृष्ण का भक्त है। हमको ऐसा मार्ग चाहिए। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित, पांची भौतिक शरीर से गोपियां अपने अपने पतियों के पास, हमारा आपका जो वास्तविक स्वरूप है, हमने कहा था ना, जब
त्रिकुट योग बनेगा तभी सरस को समझेंगे। आज चर्चा यह किया था ना, श्री कृष्ण क्या है, चिदंश, वृंदावन है सदंश, और गोपियां हैं रसंश। साधक क्या करता है, इन तीनों का मंथन करता है। जैसे आपको मक्खन देखना हो देवियों सज्जनों, तो दही भी जरूरी है, पात्र भी जरूरी है, आप बिलोने के लिए लकड़ी की क्या होती है, जो भी आप लोग बोलते हो, कहीं मथानी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, जो भी, बगैर उसके मक्खन का दर्शन नहीं होगा। दही मक्खन है, उसी प्रकार कृष्ण की लीला में रस है, कृष्ण के नाम में रस है, लेकिन आपको तीन की आवश्यकता है, चिदंश की, सदंश की और रसंश की। और इतना होते हुए भी आप मक्खन नहीं पाओगे, क्यों, मंथन करने वाले चतुर साधक की भी आवश्यकता है। तो जीवन में आपके जो सतगुरु मिल गए हैं, तो धर्मसार के मार्ग में बैठाकर पाप और पुण्य की परिधि से उठा देंगे आपको, और कन्हैया की गोद में बैठा देंगे। यह है उसका मार्ग। सुखदेव ने कहा, सुनो ये कोई लीला काम की नहीं है, जो इस प्रसंग का रसपान करेंगे, एक बात और ध्यान रखना, किसी को हृदय की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी आजकल बहुत हो रही लोगों, किसी को एक बार झटका गया हो, वो भयभीत हो रहा है, तो ज्यादा नहीं 7 दिन रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय हैं, इसके पाठ का रसपान करवा दो, दोबारा कभी उसको अटैक नहीं पड़ेगा। लेकिन धनवानों के पास समय कहां है करने के लिए, डॉक्टर को पैसा दे देंगे, अस्पताल दे देंगे, इसके लिए बोले महाराज इतना बिजनेस से चौपट नहीं हो जाएगा, और जब अस्पताल में जाएंगे तो बिजनेस कौन करेगा। हृदय के रोग से बचना हो तो रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय हैं, केवल 7 दिन आपको नहीं आता पढ़ना, अपने गुरुदेव से किसी सुबुद्ध आचार्य से बैठ के रसपान कर लो, आपके हृदय का रोग दूर हो जाएगा। महाराज भागवत की घोषणा है, इसका वर्णन नहीं है, भगवान की प्रेमा भक्ति मिलेगी। भगवान आप सब पर कृपा करें। आइए आगे के प्रसंगों को सांकेतिक रूप में दर्शन करेंगे, लेकिन 2 मिनट मैं राधा जी का स्मरण करके अपने, इसके बाद राधा जी वन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, 1 मिनट उसका स्मरण करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। श्री राधा जीवन श्री राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया पाल रे, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ मेरे श्याम मुरलिया वाले रे नद लाल मुरलिया वाले, मेरे श्याम मुरलिया वाले नंद लाल मुरलिया वाले, ओ गोपाल मुरलिया वाले रे मेरे श्याम मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले मेरी श्याम मुरलिया वाले। चलो राधा 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 जीवन राधा जीवन राधा जीवन नीलमणि।
जी।